نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولا تمنن और ना तुम एहसान करो और मैंने आपको बताया था कि तमने उनका माना दूसरा मुनकते करना भी है तो दोनों माने के हाथ से हम देख लेंगे ये तुम ज़्यादा हासिल करो कसरत से और सिर का दूसरा माना भी है तो कसरत चाहना और दूसरा है ज्यादा समझना वो भी कसरत से ही हो गया ना अपनी नजर में किसी चीज की अजमत अपने दिल में बिठा लेना कि ये ज्यादा है किसी चीज को ना बहुत ज्यादा समझना अब ये दो माने तम के हो गए और दो माने तस तक से रुके हो गए इसलिए हाथ से फिर देखते हैं कि मतलब क्या बने यानी चार माने होंगे थे पहला मतलब तो ये अगर तम नुन मन का मना एहसान ले तो लोगों पे एहसान ना करो कि ज्यादा मुझे मिले इसलिए लोगों पे एहसान ना करो एक मिसाल से आप समझे मसलन कोई दूसरे को हदिया देता है तोहफा देता है अब वो तोहफा दे रहा है और उसकी नजर किस बात पे है कि अब मुझे बदले में इससे भी अच्छी चीज मिले ठीक है तो ये भी एक बुरी चीज है एक अच्छी चीज नहीं समझी जाती इसका मतलब है किसी को भी तोहफा इस नियत से देना कि वो इसके बदले में मुझे इससे ज्यादा दे ये मकरू अमल है तो इस नियत से आप कुछ ना करें इस नियत से एहसान ना करें एहसान क्या है कि लोगों को दीन की तरफ दावत देना आग से बचाना ये सबसे बड़ा एहसान है ना तो एहसान इस नियत से ना करें इस वजह से ना करें कि अब ज्यादा मुझे हासिल हो जो कुछ दिया है उससे ज्यादा वसूल कर लू ठीक है ज्यादा मिल जाए मुझे अब इस ज्यादा मिलने में कोई जरूरी नहीं कि इंसान माल की हवेस रखता हो कि भाई हम मुझे माल मिल जाए बाज दफा माल नहीं पेश नजर होता माल नहीं एक्सपेक्ट करते क्या एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट मुझे इज्जत तो दे। है ना एटलीस्ट मुझे टीचर उस्ताजा या कोई और इस तरह के चीजें ये तो कहें कोई नाम तो दे मुझे और या मेरी तारीफ तो करें तो मैं इनको दे रहा हूं उससे बढ़ के मुझे कुछ वापस मिलना तो चाहिए ना इनकी तरफ से तो माल ना भी सही मगर ऐसी चीजों को इंसान एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है किसी दाइए दीन को ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हाँ जो लोग करें वो उनका अपनी भलाई है उनकी अपनी नेकी है लेकिन वो ये ना करे कि अच्छा जो करते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं और वो तो उनके साथ तो बहुत अच्छा रहे और जो नहीं करते इज्जत जो नहीं तारीफ करते जो नहीं कोई उसको मतलब उस तरह से वो मकाम देते उनसे वो कतराने लगे यार अब मैंने तो इनको कोई अच्छी बात नहीं बतानी या उनके साथ उसका बर्ताव बुरा होने शुरू हो जाए नहीं आप इस वजह से ना करें कि आपको इनसे कुछ हासिल हो ज्यादा समझे ना तो किसी को भी इसलिए दीन की तरफ नहीं बुलाना इससे मुझे कोई जाती नफा मिले कोई फायदा मिले कोई मेरा काम बन जाए ठीक है काम बनाना ना भी हो तो तारीफ और इज्जत ही मिल जाए इज्जत नहीं भी मिल रही तब भी करते चले जाना आप सलम को शुरू में कितने लोगों ने वेलकम किया था कितने लोगों ने इज्जत अफजाई की थी कोई भी नहीं वही चंद एक लोग थे तो ऐ नबी ये सोच के एहसान नहीं करना इस नीयत के साथ नहीं करना कि ज्यादा वापिस मिले नंबर टू अब अब जो मैं दस्तकसर का हम जो दूसरा माना है ना वो लेते हैं कि ज्यादा समझना अपनी नजर में अब यानी ज्यादा है या नहीं है लेकिन बस खुद खुद ये समझना कि बस बहुत ज्यादा है अपने दिल में ये बात बिठाना ठीक है और मन का हम वही एहसान वाला माना लेते हैं कि एन नबी लोगों पर एहसान ना करो ये सोच के कि मैंने बहुत ज्यादा इनको दावत दी है बहुत कसरत से इनको तबलीग की है इनकी इतनी खिदमत की है मैंने इनके लिए ये किया, ये किया दिन रात इनके लिए मेहनत की है दिन रात इनके लिए लगा दिया है ये सोच के ना करना और क्योंकि जब इंसान ये सोचता है ना कि मैंने तो इनके लिए बहुत मेहनत की है तो वो बस फिर अपने आप को खुद बड़ी चीज़ समझना शुरू हो जाता है दिल में उसके एक बड़ाई का एहसास आ जाता है कसरत की मानो में ना इस तक सर कि मैंने इतनी कोशिश की अब तो मेरा एहसान है इनके ऊपर तो अपनी मेहनत अपनी कोशिश को बड़ा समझना तो अब जब ये बात आ जाए ये तो वह जाहिर सी बात है लोगों के ऊपर वो जिताएगा भी कि मैंने बड़ी खिदमत कर दी है भाई तुम्हारी और जब ऐसी बात आ जाएगी तो फिर उसको आ, इतना आ, एक्टिव भी नहीं वो रहेगा और ज्यादा करने के लिए क्योंकि वो ये सोचेगा मैंने तो ऑलरेडी बहुत किया है उससे ज्यादा मुझे करने की क्या जरूरत है मैं तो इतना अपना फर्ज तो मैंने निभा दिया है मैं क्यों दिन रात लगाऊ मैं तो ऑलरेडी बड़ी मेहनत करता हूं ये भी होता है कि फिर इंसान अल्लाह के आगे भी वो यही बात समझना शुरू हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा काम करा तो ऐसा ना समझो बल्कि ये तो उस रब का एहसान समझो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत करने का अपने दीन की खिदमत करने का मौका दिया तो अल्लाह के दीन की अगर कोई खिदमत कर रहा है कोई मेहनत कर रहा है कोई कुर्बानी दे रहा है तो वो अल्लाह पर एहसान ना धरे हम बाजा ये सोचने लगते हैं कि हमने तो इतना किया अल्लाह के दीन के लिए बस साहब तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला से तो मैं ये कहूंगी और ये चाहूंगी और ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने जितना हमें नवाजा है उसके जितने एहसानात हैं उसके बाद तो हम सारी उम्र उसके दीन की दिन रात खिदमत भी करें ना तो भी हक हमने अदा नहीं किया फिर ये, कि ये भी अल्ला की तौफीक से हुआ ना उसमें फिर एहसान जताने की क्या बात हो गई जैसे मसलन कोई किसी बादशाह को की कोई खिदमत करे तो उससे ये कहा जाएगा ना ये ना समझो कि तुमने उसकी खिदमत की बल्कि ये बादशाह का एहसान समझो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत करने का मौका दिया वो इतना बड़ा बादशाह है उसके तो इतने इतने और गुलाम हैं ये हैं नौकर जाकर फौजें हैं उसने तुम्हें हायर कर लिया तुम तो इसको ही बड़ी चीज समझो कि तुमने उसे चांस दे दिया तुमने तुम्हें, तुम्हें उसने अपनी लिए अपने खिदमत की नौकरी के ऊपर रख लिया ये तो दुनिया के एक छोटे-मोटे बच्चों की बात हो रही है कहां वो रब जात जो तमाम मालूमों का रब है उसके दीन की खिदमत करना कि उसने हमें इसके लिए चुन लिया है इसको कोई ये ना इसके ऊपर कोई बजाय के अल्लाह तला के ऊपर कोई एहसान जिताने की या एहसान कोई समझने की या दिल के अंदर भी ऐसा ख्याल लाने की बजाय तुम ये सोचो कि शुक्र है उसने अपनी दीन की खिदमत के लिए मुझे चूज किया उसकी तो इतनी फौजें इतने लश्कर हैं इतने उसके बंदे हैं उसको तो किसी की भी नहीं जरूरत है वो तो एक कुन से अपने काम करा सकता है उसने मुझे मौका दे दिया तो उसका एहसान है मुझ पर समझे बात तो ये माना भी इसका समझ लिया आपने फिर आप आप मन का माना अब अगर मुनकता करने का लिया जाए खत्म करना यानी जैसे है ना इन्ना लगा अजरन वीरा ममनून ऐन भी आपके लिए वो अजर होगा जो कभी ही नहीं खत्म होने वाला तो उसमें भी ममनून का लफ्ज है ना ममनून का मतलब खत्म करना कता करना ए नबी अपनी ये कोशिश जो है इसको कभी मुनकते नहीं करना यह समझते हुए कि मैंने अब काफी तबलीफ कर ली है काफी काम कर लिया बड़ी कसरत कर ली मैंने ना इस तक सार का मतलब यही कि मैं अपने जहन में इंसान समझने शुरू जाए कि मैंने बड़ा काम कर लिया तो इस वजह से अपनी कोशिश को कभी रोकना नहीं ठीक है तो ये कितने सारे माने हो गए ना इसमें ये ब्यूटी है अरबिक लैंग्वेज की भी और देखिए कुरान में किस तरह से इस्तेमाल किए गए अल्फाज ये कितने सारे माने इसके अंदर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगला जो हुक्म दिया गया वो अली रबी का फसबियर ए नबी अपने रब के लिए सबर करें अब अल्लाह तला अल्ला को तो मालूम है ना कि ये जिस काम के लिए नबी करीम सलम को मामूर किया जा रहा है ये कितना तकलीफ दे रास्ता है कितना सबर आजमा काम है जो मुसीबतें आ रही हैं इनको बर्दाश्त करना होगा कहीं मायूस हो के अपनी इस कोशिश के सिलसिले को बंद नहीं कर देना आप देखिए अल्लाह तला अल्ला को जरा सोचे कितनी मोहब्बत है अपने बंदों से है ना कि अपने पैगंबर को अल्लाह तला तनकीन कर रहे हैं कि आपने मायूस हो के नहीं बैठना इनको बताते ही जाना है हो सकता है कोई ईमान मान ले आए हो सकता है कोई आग से बच जाए वरना अल्लाह ताला को क्या नुकसान है कोई अल्लाह माफ करे सारे ही जन्म में भी चले जाए तो उसको कोई नुकसान भी नहीं है लेकिन वो फिर भी कितना है तमाम करता है कि अपने पैगंबर को तलकीन कर रहे हैं अल्लाह ताला कि तकलीफ दे बातें आएंगी इनकी तरफ से लेकिन ए नबी आपको सबर करना है बर्दाश्त कर जाना है मेरे खातिर बर्दाश्त करें आप देखे ना भले रब्बी का फसबिर रब के लिए सबर करें मेरी खातिर पी जाए आप ये आपके साथ दुश्मनी भी करेंगे, आपको बातें भी सुनाएंगे, आपको तकलीफें भी देंगे बस मेरी वजह से आप सब्र कर लेना लेकिन कभी इंसान के लिए सबर मुश्किल होता है लेकिन जब कोई कहता है ना कि मेरी खातिर आप सबर कर लेना आ, दो बहन भाइयों में झगड़ा हो तो अगर माँ कहे कि एक बच्चे को समझाए बस मेरी खातिर तुम पी जाओ गुस्सा मेरी खातिर तुम सब्र कर लो सब्र आसान हो जाता है भाई इनकी खातिर करना है जिसकी खातिर किया जाता है फिर उसी से सिले की भी तो होती है कि अब ये मुझे शाबाश भी देगा इसके दिल में मेरी कदरों कीमत होगी ये मेरे मुझे इसका इनाम भी देगा सबर तभी किया जाता है ना और सबर करना आसान भी तभी होता है जब इंसान की नजर सिले पे होती है कि मुझे इसका इनाम मिलना है ना मुझे नवाजा जाएगा ये तो चंद दिन का बस है सबर के दिन थो, थोड़े ही है उसके बाद मुझे अच्छा इनाम मिलेगा तब सबर करना आसान होता है आप देखिए एक नौकरी करने वाला तीस दिन नौकरी करता है सबर के साथ तब उसको जाके पहली को तनखा मिलती है रोज तो नहीं मिल रही होती ना रोज तो कुछ भी नहीं हासिल करता फिर भी क्यों काम करता जाता है सबर के साथ क्यों चलता जाता है इसलिए कि उसको पता है यकीन है कि मुझे इसका अजर मिलेगा इसीलिए वो बगैर चू चरा के काम करता है जब इंसान को ये यकीन हो कि मैं जो बर्दाश्त करूंगी इसका अजर मेरा रब मुझे देगा ना तो सबर करना भी आसान हो जाता है इसका अजर मिलेगा उसका वादा है किसी और से अजर की तवक्को नहीं रखनी किसी और से एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि इससे मुझे ज्यादा मिले या ये मिले क्योंकि ये काम ऐसा है सुफान अल्लाह सारे कामों से डिफरेंट है ना कि कोई आपको कितना भी सिला देना चाहे कितना भी बदला देना चाहे वो इस काम का आपको बदला दे नहीं सकता क्या दे देगा कोई ज्यादा सादा तारीफ तारीफ तो बोल बोले वो खत्म हो जाने उसके बाद बोलने वाले को भी नहीं याद होता कि मैंने कहा क्या था पैसे दे देगा पैसे वो खर्च हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे वो तो रहेंगे ही नहीं ये वो काम है जिसका जिसकी कीमत कोई अदा कर ही नहीं सकता आप किसी आखरत की आखिरत संवार दें उसको जहन्नुम के अजाब से बचा लें इतना बड़ा एहसान है इतनी बड़ी बात है उसका सेला, उसका बदला दुनिया की चीजों से अदा हो नहीं सकता इसका बदला अल्लाह ही अता फरमाएंगे अपने यहां से लेकिन उसके लिए इंसान को सबर करना पड़ेगा सबर के साथ चलते रहना होगा रुकना नहीं है इसने अब ये कह दिया उसने तेवरी चढ़ा दी उसने मुझे फलां बात कह दी अब छोड़ो इस रास्ते को नहीं जो भी मुश्किल आए बर्दाश्त कर जो। अल्लाह के लिए बर्दाश्त करो क्योंकि वो देगा अजर इसका वो नवाजेगा तो सिले की तमाम भी अल्लाह से ही रखनी है और सबर भी उसी के लिए करना है बर्दाश्त करना है ये दा ये दीन को सिखाया गया देखिये सबर वैसे इंसान ना कोई फिजिकल उसको तकलीफ पहुंचे तो उसके ऊपर सबर करना फिर भी आसान है किसी ने थप्पड़ मार दिया तलवार मार दी वो फिर भी आसान है लेकिन जो जुबान के वार का घाव होता है ना वो बहुत शदीद होता है वो जख्म जो जुबान से दिए जाते हैं ना किसी ने ताना दिया किसी ने इल्जाम लगाया किसी ने मजाक उड़ाया किसने नाम रख दिए ये तलवार से भी ज्यादा तकलीफ थे लेकिन नबी आपको बर्दाश्त करना होगा कितना बड़ा एहसान है नबी करीम वसल्लम का हमारी गर्दनों पे क्या आप सल्लाम जमे रहे आप सल्लाम फिर भी लोगों की बातों को सुन के भी पत्थर खा के भी लोगों की इजाओं को सह के भी क्या फरमाते थे यह हो सकता है इनकी औलादों में कोई हो जो अल्लाह के दीन का मानने वाला हो कहा था ना ताइफ वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा एहसान है अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोड़ देते इस तरह ना आगे तबलीग करते तो कैसे दीन पहुंचता मोहम्मद बिन कासिम फिर ना होते मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो ताइब वालों की औलाद में से है तो ऐसे लोग पैदा हुए क्योंकि आप वसल्लम ने सबर किया फिर आपके सहाबा ने सबर किया आज तो हमारे लिए वो वाले सबर आजमा हालात तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे अंदर इतना सबर है सच्ची बात है फिर भी हम छोटी छोटी बातों को सुन के जरा जरा से किसी की ताना या टेड़ी नजर तक भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते फौरन अल्लाह के रास्ते को छोड़ देते हैं तो ये रास्ता तकलीफों वाला है इस पे जो आए वो सोच समझ के आए, वरना जहां से आया वहीं से लौट जाए क्योंकि फूलों का रास्ता नहीं है इसमें बर्दाश्त है इसमें तंगिया भी हैं सबर करना है इसमें और रिवॉर्ड अपने अल्लाह से ही चाहना है किसी की तरफ नहीं देखना कि कौन मुझे यहां से कुछ मिल जाए आज ये भी एक मसला है ना कि ठीक है ताने तशने तो नहीं मिलते तारीफें ऐसी मिलती है इंसान बाज दफा उन तारीफों के लिए जो है ना काम करने लगता है वो शुरू बड़ी अच्छी नीयत से करता है फिर लेकिन जाहिर है निक नामी मिलती है तारीफ मिलती है लोगों की तरफ से इज्जत मिलती है अब क्या होता है इंसान की नीयत तो बदल जाती है जो काम उसने अल्लाह की खातिर शुरू किया था अब अपनी इज्जत की खातिर कर रहा है अब वो अल्लाह के लिए नहीं उसको राजी करने के लिए नहीं अब अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए कर रहा है इसके लिए भी सबर चाहिए सबर सिर्फ चीजों पे नहीं ना होता तो अल्लाह की पे भी है जमे रहने के लिए भी सबर चाहिए नाफरमानी से बचने के लिए भी सबर चाहिए सबर सिर्फ तकलीफों पे नहीं हुआ करता यहां तक की आयात उतरी थी शुरू में मुझे दूसरी वही थी जो मैंने आपको बताया वो यहां तक की आयात आयात उतरी और उसके बाद फिर बाद में उतरी सुबह नकल्ला हूं अभी हमदे का नशद